तो नहीं है। नहीं 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 उस उनकी यात्रा से पहले ही यात्रा चल चुकी हो। अगर ये जो आपकी पद यात्रा है, कांग्रेस ने भी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का अभियान शुरू किया, तो क्या उसके संदर्भ में उसके परिणाम स्वरूप ये यात्रा तो नहीं है? नहीं 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 उस उनकी यात्रा से पहले ही यात्रा चल चुकी है और ये 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर ये यात्रा गाजीपुर से निकली हुई है और क्रांति दिवस 9 अगस्त को पड़ता है, उसको समाजवादी पार्टी शुरू से ही मनाती चली आ रही क्रांति दिवस के रूप में। क्रांति दिवस के नाम पर ये यात्रा जो है माने गाजीपुर से निकली है, देश बनाओ देश बचाओ, और मौजूदा समय में हमारी इस यात्रा को लेकर चलने वाले अभिषेक यादव ने जो बात कहा है और जिस बात पर कि उन्होंने एक नौजवानों और किसानों के सवाल पर जिस तरह से नौजवान बेरोजगार होकर के घूम रहा है, किसान बेचारा बना हुआ है, तमाम सारी बातें जो सरकार ने कहा वो किया नहीं, उनकी कथनी करनी में एक रूपता नहीं है, जो कहते हैं उसे करते नहीं, जो करते हैं उसे कहते नहीं, इन सारे सवालों को लेके जो है इनकी यात्रा सड़क पे निकली है। जिस बहन जी का बहुजन समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में उपचुनाव में द्रौपदी मुर्मू जगदीप धनखड़ का जो है समर्थन किया, आपकी पद यात्रा से प्रभावित होकर वो आपके समर्थन में ट्वीट की हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे समर्थन में टूट के उससे प्रभावित होकर के उनका ये अपना अपने तरीके का सोचना है, लेकिन हमारा अपने तरीके से कि बैठी हुई सरकार ने जो कहा उसे नहीं किया और जनता को पुनः गुमराह करना चाहती है, और ऐसी दशा में हम समाजवादी पार्टी के लोग जहां हमेशा जनता के सवालों को लेके खड़े हैं वहीं इस यात्रा को। आखिरी सवाल, ये पद यात्रा कितनी सफल हो रही? पद यात्रा ये है कि ये जन जागरण एक तरीके से आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये हजूम ये भीड़ जो आपके सामने है, और ऐसी दशा में आप देख रहे हैं कि जनता का इतना समर्थन है कि इनकी पूरी यात्रा में 44 दिन की यात्रा में कोई एक व्यक्ति नहीं मिला कि आपकी यात्रा गलत हो रही है, इसलिए इस सरकार को भी बनाने वाले सब यात्रा में भी चल रहे हैं, ऐसे लोग भी चल रहे हैं कि जो कहा था वो किया नहीं, 15 लाख रुपया हर खाते में भेजने के लिए कहे थे। कहते आदमी असफल होने के बाद हिम्मत टूट जाती है, इतनी हिम्मत आप लोगों ने कहाँ से पैदा की? ये जनता को देखते हुए, जनता जब त्राही त्राही करी, हम जनता के सवालों पर जब खड़े हैं तो जनता के हित के लिए उनके सम्मान के लिए हम ऐसी दशा में व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। जौनपुर जिला बेरोजगारी और महंगाई पर जनता आप ये नहीं आगे दुर्गामी सोच रखी है कि अगर हमारे साथ, अगर हम लोग का साथ समाजवादी पार्टी रहेगी तभी आपके लड़कों को रोजगार मिल पाएगा, तभी महंगाई कम होगी, तभी आपकी सुरक्षा होगी, तभी आपको सम्मान मिलेगा, तभी आपको शिक्षा मिलेगा, तभी आपको रोजगार मिलेगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जब से आई है वो लगातार नफरती राजनीति करती है।